इलेक्शन कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछले दो विधानसभा चुनाव की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है, वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रखा जा सकता है। दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 12 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल शिंदे गुट वाली शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 103, शिंदे गुट वाली शिवसेना के पास 37, अजित पवार वाली एनसीपी के पास 39, छोटे दल और निर्दलीय के पास 22 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के पास 37, उद्धव गुट वाली शिवसेना के पास 37 और शरद पवार वाली एनसीपी के पास 13 सीटें हैं। वहीं झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 27, कांग्रेस के पास 18, राजद और सीपीआईएम के पास 1-1 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 24, आजसू के पास 3 और अजित पवार वाली एनसीपी के पास 1 सीट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।